टेलीफिन पायल थी और बोलते ना कि सही बात है कि आदमी पहले मतलब जीरो से शुरू करके ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो पायल मेरी पहली फिल्म थी और वो मेरे लिए बड़ी यादगार फिल्म है क्योंकि मेरा पहला ब्रेक था और चली नहीं थी, लेकिन काफी सीखने को मिला था। उसके बाद मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ता ही रहा और पूरी नंबर वन के बाद तो फिर आपको भी पता है। राइटिंग की शुरुआत तो मतलब जब से होश संभाला राइटर्स के बीच में ही था, क्योंकि मेरे फादर भी राइटर हैं और भोपाल में जो मेरे घर का माहौल था, घर में नशिस्त होती थी, गोष्ठी, कवि सम्मेलन, मुशायरे, गजल के प्रोग्राम, प्लेज, थिएटर, इन सब में बचपन से जुड़ा रहा। तो लिखने का शौक मुझे फिफ्थ या सिक्स क्लास से हो गया था। छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों के लिए भी होते वो लिखता था, फिर कुछ प्लेज लिखे और छोटी मोटी नज्म कुछ लिखने की कोशिश की, गजल, और फिर कहानी लिखने लगा। और उसके बाद फिर मुंबई आया और तब तो मुंबई था, अब मुंबई, और फिर बस 3-4 साल लगे मुंबई को पहचानने में, थोड़े स्ट्रगल करने में, लोगों से मिलने में, लोगों को यकीन दिलाने में कि मैं राइटर हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि मैं जब आया हूँ 86 में, तो उस टाइम पे राइटर सब उर्दू दां होते थे, कुर्ते बजाने वाले, पान खाने वाले, और मैं 19 साल का, तो लोग यकीन नहीं करते कि मैं राइटर, मेरी शक्ल देख के, मेरी एज देख के, तो हंसते थे, कई लोग मजाक भी बनाते थे, कई समझाते थे बेटा देखो फिल्म लिखना है, कोई स्कूल में बच्चों की प्लेज नहीं लिखना है, जाओ जरा दुनिया देखो, जिंदगी देखो, रिश्तों का दर्द महसूस करो, तकलीफें उठाओ, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब जाके राइटर बनोगे। तो मैं इरिटेट भी होता था कि आप मेरी ख्याल देखो, मेरे सब्जेक्ट देखो, मेरी उम्र या मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं। तो जो मेरे करीबी दोस्त थे, मैं उन सबको सब्जेक्टिव आइडियाज ही सुनाता था, मतलब अनु भाई, अनु कपूर, साजिद नडियाड़ वाला, और जो उस टाइम मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, तलत जानी, दीपक आनंद और जो भी लोग थे। तो अनु भाई के जो पड़ोसी थे महेंद्र शाह, उनको कहानी की तलाश थी, उन्होंने भाग्यश्री को साइन किया था, और वो फिर मैंने पायल की कहानी सुनाई और वो अच्छी लगी, तो फिर वहां से शुरू हुआ था। बहुत अच्छा, क्योंकि क्या है, एक तो जो स्क्रीन केमिस्ट्री थी, मतलब गोविंदा और संजू की और सोनू मोनू की, वो क्या पर्सनल लाइफ में भी केमिस्ट्री थी, हम सब लोग दोस्त भी हैं, और इसलिए एक हंसते हंसते एक फिल्म बन गई, सबने एंजॉय किया। और 21 साल हो गए मुझे, मतलब आपने बोला और उससे पहले मुझे संजू का मैसेज और फोन आया, तो मुझे संजू ने कहा हुजूर अपनी फिल्म को आज 21 साल हो गए। तो यकीन नहीं आया, वक्त इतना तेज चला जाता है और दोनों कैरेक्टर इतने एंटरटेनिंग है, और आज भी लगता है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ताजी फिल्म आज देखो तो भी मजा आता है। डेविड साहब की जोड़ी मेरी, यहाँ सही बात है, शुरुआत हम लोगों ने की थी साजन चले ससुराल और कुली नंबर वन से। कुली नंबर वन पहले रिलीज हुई, लेकिन पहली जो फिल्म मैंने डेविड साहब के साथ साइन की थी वो साजन चले ससुराल थी। उसके पहले भी मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, बातचीत होती थी, एक दो बार एक फिल्म डेविड साहब के साथ, डेविड साहब मुझे ले गए, साइन कराया, कोशिश की, फिर वो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, और ये दोनों फिल्म शुरू हुई, और एक जान पहचान थी, एक प्रोफेशनल रिश्ता शुरू हुआ था, जो कब जाके फैमिली में तब्दील हो गया वो हम दोनों को पता नहीं चला, कि आज डेविड साहब की फैमिली और मेरी फैमिली का रिश्ता जो प्रोफेशनल नहीं है। वो एक मजरू साहब का शेर है ना, कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे साथ वैसे ही कुछ हुआ कि मैं प्रोफेशनल रिलेशन लेके डेविड धवन के साथ चला था, और कब पूरा परिवार एक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हसीना मान जाए कि डेविड साहब हो, संजू हो, गोविंदा हो, और मतलब अनुपम खेर हो, सारे जितने भी एक्टर थे उसमें, अरुणा जी थी और परेश रावल, सारे, तो पूरी शूटिंग ही एक अपने आप में यादगार होती हर दिन। लेकिन इस फिल्म के साथ जो खास बात जो थी, जो कि एक तो ये फिल्म बनाने में मजा आ रहा था इसको, क्योंकि स्मिता ठाकरे जो भाभी है हमारी, वो प्रोड्यूस कर रही थी, उनकी पहली फिल्म थी, और इसको बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद मिला हुआ था,
वो इस फिल्म में हम लोग को बहुत मुझे बहुत इंकरेज किया था उन्होंने, इसलिए ये फिल्म की सबसे बड़ी यादगार ये है कि ये बाला साहब के ब्लेसिंग से उनके आशीर्वाद से बनी थी। मायापुरी तो आपको क्या बताऊं कि जब फिल्म देखने से पहले मैंने मायापुरी देखी थी, क्योंकि क्या है बचपन से जिस सैलून में पापा मेरे बाल कटाने ले जाते थे छोटा था तो चेयर पे पहले एक बेंच रखी जाती थी उस पर बच्चे को बिठाया जाता था, तो वहां पे सबसे पहले नजर पड़ती थी सैलून में मायापुरी आती थी, जो वेटिंग में होता था वो मायापुरी पड़ता रहता था, तो इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं उस सैलून में इसलिए जाता था क्योंकि वहां मायापुरी आती थी। तो मायापुरी वो पहला मैगजीन है जो मेरे जिंदगी में पढ़ा फिल्म का।